और भाई आपको बता दें कि भारत बंद का जेएमएम ने कहीं ना कहीं समर्थन किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जेएमएम ने फिलहाल आपको बता दें कल होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर होना है भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में होना है भारत बंद। एसटी एससी सामाजिक संगठनों ने किया है भारत बंद का आह्वान, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पलामू दौरे पे इसको स्थगित करने की बात कही थी। को मिला है जेएमएम ने कल होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर होना है भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में होना है। एसटी एससी सामाजिक संगठनों ने किया है भारत बंद का आह्वान, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पलामू दौरे को किया स्थगित। बड़ी जानकारी दे रहे थे आपको, जहां आपको बता दें कि भारत बंद को जेएमएम का समर्थन मिला है। जेएमएम ने किया है कल होने वाले भारत बंद का समर्थन। एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर होना है भारत बंद। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में होना है भारत बंद। एसटी एससी सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पलामू दौरे को स्थगित करने का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां आपको दिखा रहे हैं कि भारत बंद को जेएमएम ने समर्थन दिया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में होना है भारत बंद, एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए भारत बंद को जेएमएम का समर्थन प्राप्त किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, एसटी एससी सामाजिक संगठनों ने इसके बाद से भारत बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल है? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सामाजिक संगठन कल भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं और इस भारत बंद का आरजेडी की तरफ से समर्थन हुआ है और अब जेएमएम ने भी इसका समर्थन कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसी भारत बंद के मद्देनजर उसको समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पलामू दौरा भी रद्द कर दिया है। जो 21 तारीख को उनका दौरा होने वाला था पलामू का, उसकी जगह वो दौरा 22 तारीख को होगा। तो कुल मिलाकर के ये तय है अब कि झारखंड में इस बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा, चूंकि झारखंड एक फिफ्थ शेड्यूल का राज्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सामाजिक संगठन कर रहे हैं कि वो एसटी एससी के जो अधिकार है उन अधिकारों में हस्तक्षेप, तो इसी आधार पर भारत बंद को बुलाया गया है और कल इस बंद का व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। जी साक्षी, चलिए तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहेगा। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे थे, एसटी एससी आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत बंद का ऐलान किया गया है। जैसे कि हमारे स्टेट हेड ने बताया कि जो लोग हैं उनका कहना है कि सामाजिक संगठनों ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है और जिस तरह से झारखंड को एसटी एससी का राज्य माना जाता है, इस तरह से कल भारत, इस तरह से हमें कल कहीं ना कहीं भारत बंद देखने को मिलेगा।